दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Mi 11 Lite और Redmi Note 10 Pro Max के साथ में। दोनों ही फोन काफी कमाल के फीचर साथ में आते हैं, दोनों ही फोन में बहुत ही शानदार फीचर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या Mi 11 Lite को लेना चाहिए या Redmi के Note 10 Pro Max को लेना चाहिए। तो इस वीडियो में दोनों फोन का हम कंपैरिजन करेंगे और क्लियर दोस्तों बताएंगे कि इनमें से कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए, किस फोन में अच्छा कैमरा मिलेगा, कौन सा फोन गेमिंग के लिए अच्छा रहेगा, किस में अच्छी बैटरी मिलेगी, यानी दोस्तों ओवरऑल कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये हम वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप भी इन दोनों फोन को लेकर कंफ्यूजन में है कि कौन सा फोन खरीदना चाहिए तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, और चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों डिजाइन के मामले में दोनों ही फोन यहाँ पे काफी अच्छे हैं, दोनों ही फोन डिजाइन के मामले में बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। दोनों में ही आपको बैक साइड में ग्लास देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं दोनों का डिजाइन यहाँ पे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों ही फोन में आपको साइड में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेंगे। अगर सामने की तरफ बात करते हैं तो दोनों फोन में ही आपको पंच होल का नॉच देखने को मिलेगा, लेकिन जो Mi 11 Lite है इसमें आपको कॉर्नर साइड में पंच होल का नॉच दिया गया है, जबकि Redmi के Note 10 Pro Max में आपको सेंटर में पंच होल का नॉच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आपकी पसंद है कि आपको कौन सा नॉच अच्छा लगता है। थिकनेस की बात करें तो प्रो मैक्स आपको 8.1 mm के साथ में आता है, 192 ग्राम इसका वेट है। वही Mi 11 Lite की बात करें तो ये आपको 6.8 mm के साथ में आता है, साथ में इसका 157 ग्राम वेट है। तो दोस्तों जो Mi 11 Lite है काफी यहाँ पे लाइट वेट फोन रहेगा, काफी यहाँ पे स्लिमेस्ट रहेगा। हालांकि प्रो मैक्स भी उतना हैवी नहीं रहेगा, फिर भी यहाँ पे Mi 11 Lite जो रहेगा दोस्तों काफी स्लिमेस्ट रहेगा और काफी लाइट वेट रहेगा। अब बात करेंगे इन दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे Redmi का जो Note 10 Pro Max है इसमें आपको 6.67 इंच की एक सुपर एमोलेड की डिस्प्ले रहेगी, साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। वहीं अगर Mi 11 Lite की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की इसमें भी आपको एक सुपर एमोलेड का डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन इसमें आपको 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन इसमें आपको 10 बिट का डिस्प्ले दिया गया है, जिससे इस फोन का जो डिस्प्ले रहेगा थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 1 बिलियन से अधिक कलर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस फोन का जो डिस्प्ले रहेगा थोड़ा सा बेटर रहेगा, इसमें आपको कलर आपको काफी बेटर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल दोस्तों बात करते हैं तो दोनों ही फोन यहाँ पे डिजाइन के मामले में और डिस्प्ले के मामले में काफी सही रहेंगे, लेकिन जो प्रो मैक्स है इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जबकि Mi 11 Lite में आपको 90 हर्ट्ज का ही देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें तो प्रो मैक्स में आपको रियर साइड में 4 कैमरा देखने को मिलेंगे, जिसमें मेन रहेगा आपको रहेगा 108 मेगापिक्सल का, जो कि सैमसंग के सेंसर के साथ में आता है। सेकंड रहेगा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, तीसरा रहेगा 5 मेगापिक्सल का टेली माइक्रो लेंस के लिए, और चौथा रहेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। Mi 11 Lite की बात करें तो इस फोन में आपको रियर साइड में 3 कैमरा देखने को मिलेंगे, जिसमें मेन रहेगा आपको 64 मेगापिक्सल का, इसमें भी आपको सैमसंग का ही सेंसर देखने को मिलेगा। दूसरा इस फोन का भी कैमरा रहेगा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, और तीसरा रहेगा आपको 5 मेगापिक्सल का टेली माइक्रो लेंस के लिए। दोनों फोन के रियर कैमरा से आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, दोनों में आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, स्लो मोशन आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों में ही आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा है तो दोनों ही फोन यहाँ पे कैमरा के मामले में काफी सही रहेंगे, लेकिन जो प्रो मैक्स है दोस्तों इसका जो रियर कैमरा है जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंसर मिल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज आपको प्रो मैक्स में देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करेंगे दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों दोनों में आपको सेम प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। चाहे हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से या बात करें गेमिंग के हिसाब से, दोस्तों आप आराम से इसमें गेम खेल सकते हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों में ही आपको UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है, दोनों में आपको LPDDR4X टाइप का रैम देखने को मिलेगा। बात करें दोनों फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो दोनों फोन एंड्रॉइड 11 साथ में लॉन्च हुए हैं, दोनों में आपको MIUI देखने को मिलता है। बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे Redmi का जो Note 10 Pro Max है इसमें आपको 5020mAh की बैटरी दी गई है, जबकि Mi 11 Lite में दोस्तों आपको 4205mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो बैटरी आपको देखने को मिलेगा अधिक प्रो मैक्स में। दोस्तों रीजन ये है कि यहाँ पे जो Mi 11 Lite है ये आपको काफी लाइट वेट रखा गया है, काफी स्लिम रखा गया है, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे बैटरी थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन दोनों ही फोन में आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, दोनों में ही आपको 33W की चार्जिंग मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग में कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन जो बैटरी है दोस्तों आपको प्रो मैक्स में ज्यादा देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करेंगे दोनों ही फोन के कुछ अदर फीचर के बारे में। तो दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, दोनों में आपको OTG का सपोर्ट मिलेगा, डुअल 4G का सपोर्ट मिलेगा, IR सेंसर देखने को मिलेगा, दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो Mi 11 Lite है इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा, जबकि प्रो मैक्स में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक बड़ा अंतर देखने को जरूर मिलेगा, हालांकि दोस्तों यहाँ पे काफी लोगों को अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जो लोग गेम करते हैं तो दोस्तों चार्जिंग टाइम में अगर आप गेम करते हैं तो उसमें आपको एयरफोन लगाना जरूरी होता है, तो इसमें दोस्तों आपको दिक्कत हो सकता है Mi 11 Lite में। बाकी दोस्तों फीचर के मामले में दोनों ही फोन यहाँ पे काफी अच्छे हैं, दोनों फोन में आपको बहुत ही अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। लेकिन अब बात करेंगे इन दोनों फोन के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों जो Redmi का Note 10 Pro Max है इसका जो बेस्ट वेरिएंट है जिसमें आपको 6GB का रैम मिलेगा, साथ में आपको 64GB का स्टोरेज मिलेगा, इसका प्राइस रखा गया दोस्तों 18,999 रुपये।
वहीं मी 11 लाइट की बात करें तो इस फोन का जो बेस वेरिएंट है जिसमें आपको 6GB का रैम मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 128GB की स्टोरेज दी गई है। इसका प्राइस रखा गया आपको 21,999 रुपये। तो दोस्तों ये फोन आपको 22,000 के प्राइस में लॉन्च हुआ है, लेकिन अगर आप इसको प्री ऑर्डर करते हैं साथ में आप HDFC कार्ड से इसको खरीदते हैं तो दोस्तों आपको 3,000 तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस फोन का जो प्राइस हो जाएगा आपको हो जाएगा 19,000 रुपये। तो दोस्तों 19,000 में दोनों ही फोन यहाँ पे काफी अच्छे फीचर के साथ में आते हैं, लेकिन दोस्तों कौन सा फोन यहाँ पे खरीदना चाहिए? तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है, साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फोन में आप 2 SIM और 1 memory card भी लगा सकते हैं, दोस्तों ये मैं बताना भूल गया था। इसके अलावा इसमें आपको बैटरी भी अधिक देखने को मिलेगा और साथ में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स है आपके लिए दोस्तों इन दोनों में से काफी बेस्ट रहेगा। हालांकि दोस्तों अगर आपको लाइट वेट फोन चाहिए, स्लिमेस्ट चाहिए और सामी का फोन चाहिए तो आप आराम से मी 11 लाइट भी ले सकते हैं दोस्तों, ये भी फोन अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑफर के साथ में लेते हैं तो ही इस फोन को आप बाय करिएगा, अदरवाइज दोस्तों अगर ऑफर में नहीं लेते हैं तो ये फोन दोस्तों 22,000 में आप बिल्कुल बाय मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ लाइट वेट और स्लिमेस्ट के लिए दोस्तों ये फोन लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वैसे दोस्तों आपको क्या लग रहा है, आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा, आप इन दोनों फोन में से कौन सा फोन खरीदना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो चलेगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।